तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वर्ल्ड। एंड इस वाले वर्ल्ड में मेरा पुराना वाला सर्वाइवल वर्ल्ड उड़ गया था, मतलब किसी ने डिलीट कर दिया था मेरे, मतलब बाय नहीं किया था। तो यार मैं ना न्यू सर्वाइवल वर्ल्ड बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा भाई कुछ यूनिक करते हैं, तो यार मैंने बस कर दिया यूनिक। मैंने इस वाले सर्वाइवल वर्ल्ड में मतलब आते ही एक चंक उड़ाने का मतलब सोचा कि एक चंक उड़ा देते हैं माइनक्राफ्ट की दुनिया से। एंड वही मैं सोच रहा था, तो पहले मैंने कुछ टूल्स बनाए एंड आ गया इधर। मैंने थोड़ी सी शीप भी मार ली थी एंड उससे मैं बेड बना लेता हूँ। और सबसे पहले तो भाई सो लेते हैं, रात हो रही है। एंड उठने के बाद मैं बनाता हूँ एक फर्नेस एंड फर्नेस में खाना पकाता हूँ, क्योंकि खाने का बहुत कमी हो रहा था इस वाले वर्ल्ड में मेरे साथ। तो यार पहले तो मतलब शुरुआत करते हैं कि कहाँ से माइन करना है चंक, ठीक है। चंक होता है 16x16 का होता है, 16x16 का होता है। तो मैं बस वही लेके चल रहा था। मैंने चंक तो ऑर्डर नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी भाई 16x16 का होता है, तो मैंने सोचा भाई ऐसे ही कर लेते हैं। एंड पहले तो मैंने 16x16 का चंक बना लिया, मतलब एरिया बना लिया। एंड ये मैंने किया कुछ डिग, दो तीन लेयर मैंने नीचे डिग गया एंड जो ऊपर वाले पेड़ थे वो भी उड़ा दिए मैंने इससे। एंड मैंने इतना डर्ट मतलब इकट्ठा कर लिया, 4-5 स्टैक मेरे पास डर्ट, 4-5 नहीं 10 के आसपास मेरे पास डर्ट इकट्ठा हो चुका था। एंड मैंने कुछ पिकैक्स और ये शवल भी बना लिए थे, मैंने सीड भी लगा दिए थे जो मुझे ग्रास से मिले थे ताकि खाने की कमी ना हो। एंड मुझे ये स्टोन भी मिल चुका था, तो यार ये वाला मैंने लेयर भी कर दिया। एंड स्टोन मैंने रहने दिया ताकि आपको दिखा सकूँ कि क्या क्या हुआ है। और गाइस इसको पहले उड़ा देते हैं एंड फिर आपको मिलता हूँ कि मैंने अभी कितना प्रोग्रेस किया। मैंने मतलब पूरा का पूरा मोंटाज नहीं बनाया कि कैसे मैंने इतना डिग किया। मैंने किया तो सर्वाइवल में ही है, क्रिएटिव कोई कमांड वमांड यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी यार वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने बीच में कट लगा दिए। एंड इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा मतलब 20 लेयर नीचे जाऊंगा। ये आई थिंक 15 लेयर मैंने इधर कर दिया था, 10 या फिर 15 होगा। मैंने थोड़ा बहुत चेस्ट में डबल चेस्ट भी बना लिया था, सीड वीडी भी थोड़ा सा ग्रो किया था ताकि मेरा सर्वाइवल भी अच्छे तरीके से चल पाए। एंड बहुत सारे रिसोर्सेज भी मुझे मिले थे। एंड मेरा ये चंक तो पूरा मैंने उड़ा दिया सर्वाइवल में, लेकिन ये उसका पहला पार्ट है, तो मैं सेकेंड पार्ट में उसका मतलब जीरो आपको बेडरॉक तक दिखाऊंगा कि क्या क्या है उसमें। और मुझे आयरन भी मिल ही गया था, बहुत जल्दी मिल गया था, लेकिन बहुत कम मिला था। लेकिन बाद में जितना आयरन मिला, जितना डायमंड मिला भाई बहुत ही मस्त मिला है। एंड मैं सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने के बाद ये इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ एंड मुझे वॉइस ओवर करने में इतने है भी नहीं कि मैं करूँ, लेकिन फिर भी भाई बताना तो पड़ता है, नहीं तो मैसेज बना देता अगर वॉइस ओवर करने की जरूरत ना पड़ती तो। एंड पुराना वाला वर्ड मेरा भाई ने उड़ा दिया था, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा था। एंड इसी के साथ मैं अपना वो जो था फार्मिंग वो भी कर रहा था ताकि मेरे पास वीट का ब्रेड का कमी ना हो, ताकि मुझे मतलब जानवर वानवर ना मारने पड़े। मुझे वूल बहुत सारा मिल चुका था, मतलब ज़्यादा भी नहीं, 2-3-4 मतलब मैं 2 बेड और बना सकता था, इतना वूल मुझे मिल चुका था। नहीं 2 ही है वूल, लेकिन फिर भी 2 बेड बना सकता हूँ जितना मेरे पास अभी है वूल। मैंने ज़्यादा जानवरों को मारा नहीं है, लेकिन भले इस चिकन को मारते हैं। मैंने बहुत सारा कोबलस्टोन वो स्मेल्टिंग के लिए भी लगा दिया था ताकि मैं वो ब्रिक्स बना सकूँ, स्टोन ब्रिक्स, जिससे मैं अपना बहुत तगड़ा वाला कैसल बनाऊँ। वैसे मैं एंटीलिया मतलब अंडरग्राउंड एंटीलिया बनाने का सोच रहा हूँ, जो अंबानी का घर है, सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा वाला बनाऊँगा मैं इस चंक में। एंड उसी का मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने बनाया नहीं है, ना ही कुछ तैयारी व्यारी किया, बस मैं ऐसे ब्लॉक इकट्ठा कर रहा था। एंड ये मेरा 14 एंड 15 मैंने नीचे करके रखा था कि मुझे अभी तो 15 तो कंप्लीट करना है। एंड ये था मेरा पहला आयरन, जो कि मैं अभी नहीं मान करूँगा, पहले ये वाला कर लूँगा। एंड गाइस अभी देखो मतलब मैंने बहुत सारा छोड़ दिया है, बहुत सारा वीडियो बीच में से कट किया, वो देखो भाई किधर है स्टेयर्स एंड कितना मस्त लग रहा है ये। मुझे लैपिस भी मिल चुका है, लेकिन मैंने वाटर बकेट बना लिया था जिससे जितना मुझे आयरन मिला था
मेरे पास दो आयरन था, एक और आयरन और चाहिए था जिसकी मदद से मैं पिकेक्स बना सकता था स्टोन की। इस वाली लैपिस लजूली को मैंने अभी तक नहीं तोड़ा, मतलब वन चंक उड़ा दिया फिर भी इसको नहीं अभी तोड़ा। एंड थोड़ा सा गोल्ड मेरा पड़ा है नीचे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मतलब क्या क्या है मेरा अभी, कैसा मस्त सीन होता है। एंड मैंने सर्वाइवल में किया है ये सब, मतलब कोई भी शुरुआत से किया है, कोई भी इंचांटमेंट नहीं लगी है, मतलब स्टोन के टूल से किया है, आयरन के टूल से किया है। तो मतलब स्टार्टिंग से करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, मतलब एक दो दिन मुझे लग गया होगा एक चंक को उड़ाते उड़ाते। एंड बहुत मुश्किल रहा, मतलब ऐसे टीवी देखता था एंड साथ में ऐसे उंगला लाई जा रहा था, बहुत बोर हो रहा था मैं। लेकिन फिर भी भाई वीडियो बनाना था, कुछ यूनिक करना था, तो करना तो पड़ता मुझे। एंड मैं कब से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, एंड मुझे अभी याद आया है कि मुझे वाटर बकेट ट्रिक भी आता है, एंड पूरा कंप्लीट तरीके से मुझे अभी अभी आया, मुझे ज़्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। इसमें देखो भाई बहुत सारा मैं स्टोन भी मेल्ट करा, मतलब स्टोन भी बना रहा था जिसकी वजह से मैं स्टोन ब्रिक बना पाऊँ एंड बहुत तगड़ा वाला कैसल भी बनाऊँगा मैं। एंड मैं उज्जवल भैया से इंस्पिरेशन लेके कैसल बनाऊंगा क्योंकि उनका कैसल बहुत ही मस्त लगता है, मुझे सभी को बहुत मस्त लगता है। लेकिन फिर भी मैं उसमें कुछ अलग चीज़ें ऐड करूंगा। अभी मैं नेदर में तो नहीं गया क्योंकि ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट एपिसोड है, तो यार इतना करना बहुत मुश्किल का काम है। नेदर में जाना आसान है लेकिन फिर भी मैं अभी तक नहीं गया, मुझे बहुत सारा डायमंड मिल भी चुका है। इसमें नहीं मिला, नेक्स्ट पार्ट में मिल चुका है। एंड वो नेक्स्ट पार्ट मैं इसी मतलब एक दो घंटे के बाद ही अपलोड कर दूंगा। एंड जिस जिसको भाई मतलब मेरा कंटेंट अभी अच्छा लग रहा है कि ये कुछ यूनिक कर रहा है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड भाई अगर आपको नहीं ना लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ या फिर कुछ भी मेरे से अच्छा नहीं बन रहा, तो मुझे बता देना एंड सब्सक्राइब मत करना फिर, ठीक है? कमेंट में बता देना कि क्या चीज़ गलत की है मैंने, एंड सब्सक्राइब मत करना फिर, सीधा लाइक भी मत करना अगर तुम्हें पसंद ना आया है। अगर पसंद आया तो ही लाइक करना, ठीक है? मैं कुछ मतलब ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा कि भाई करो ही करो, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। एंड इतना मतलब कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो, लेकिन फिर भी मैंने इसे पॉसिबल बनाया। एंड आज वाली वीडियो, इस वाली वीडियो में तो मैं इतना ही करूँगा, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट मैं जल्दी डालने वाला हूँ, एक दो घंटे में डालूंगा। एंड वो वाले पार्ट को देख लेना भाई, क्या ही मस्त बेडरॉक चमकाया मैंने। एंड इस वाली वीडियो में इतना ही था, एंड सोने के उपरांत ही वीडियो एंड करते हैं। लैपिस लजूली को मैं तोड़ूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, मतलब तोड़ूंगा नहीं, अभी तक नहीं मैंने उसे तोड़ा, वैसे चंक उड़ा दिया मैंने सेकंड पार्ट में लेकिन अभी तक नहीं इसे तोड़ा, मैं इसे थर्ड पार्ट में तोड़ूंगा। एंड कुछ डायमंड है, डायमंड वायमंड भी है साइड में लगे, उसको भी तोड़ूंगा एंड गोल्ड को भी तोड़ूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। बाय बाय गाइस।